स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अरे अदालत का मजाक मैं नहीं, तू उड़ा रहा। तुम क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं जानता कि रिया कैसी दिखती थी। अरे 10 बार मिल चुका हूं रिया से और वकील हूं पेशे से, किसी की शक्ल एक बार देख लूं ना कभी नहीं भूलता। जज साहब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और जो तस्वीर आज के न्यूज़पेपर में छपी है वो रिया मलिक नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कर वीरेन, ये क्या कब से बकवास किए जा रहा है तू? मैंने तुझे जिससे मिलाया था ये उसी की तस्वीर है, मेरी वाइफ रिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है वीरेन? एक तो रिया की मौत के गम को मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूं और आज भरी अदालत में उसकी तस्वीर को लेकर, उसकी पहचान को लेकर एक सवाल खड़ा कर रहा है तू। क्या हो क्या गया तुझे? मत कर ऐसा, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। देख वीरेन, मुझ पे भरोसा रख। इस सब के बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरी सजा कम हो जाए। दरअसल मुझे और कुछ नहीं कहना है। तू क्या मेरी सजा कम कराएगा? सब बात तुझे तो मैं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है तू वीरेन? इतनी बार रिया से मिल चुका है फिर भी तू उसे पहचाने से इंकार कर रहा है। योर ऑनर, यही है रिया मलिक। फिर मैं जानता हूं कि रिया की मौत एक हादसा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरी अदालत में तू उसे पहचानने से इनकार कर दे। अरे संभव, तू कैसी बातें कर रहा है यार? तू अच्छी तरह से जानता है कि ये रिया की फोटो नहीं है। नहीं जज साहब, यही रिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इसे पहचानने से क्यों इनकार कर रहा है। छोड़ के चली गई, अरे संभव ही तू कैसी बातें कर रहा है? तू अच्छी तरह से जानता है कि वो लड़की रिया नहीं है। अरे तू सबके सामने झूठ क्यों बोल रहा है? अरे लगता है तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना इन दिनों, सदमे की वजह से तू अपनी याददाश्त खो बैठा है। जज साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है कि वीरेन के साथ जो भी हुआ है उस सदमे की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। तू क्या कहना चाहता है? पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। क्या मैं नहीं जानता रिया कैसी दिखती है? इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रहा सबके सामने। देखिए वीरेन वडेरा, आप बार बार मिस्टर संभव पे झूठा होने का इल्जाम मत लगाइए। वो तो उल्टा आपको अदालत से बचाने की गुहार कर रहे हैं और आप। क्या हो क्या गया तुझे वीरेन? तू मुझे एक बात बता कि मेरे पास क्या रीजन हो सकते हैं झूठ बोलने के? इससे मुझे फायदा क्या होगा? मैं उस वक्त भी पुलिस को यह बता चुका था कि या की मौत के लिए मैं तुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा था। आज भरी अदालत में जज जी के सामने, सबके सामने मैं वापस दोहराता हूँ कि मुझे तुझ पे कोई शक नहीं है। अरे तेरी रिहाई जितनी जल्दी हो जाए उतना ही खुश मैं रहूंगा। अरे ये वही रिहाई जिससे तू मिला था, उसकी मौत के वक्त भी तू उसके साथ वहां पे मौजूद था। तू इतना इरिस्पॉन्सिबल बयां कैसे दे सकता है कि ये रिया नहीं है? अरे मेरी इस दुनिया में एक ही बीवी थी रिया, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की। तू तो मेरा मजाक उड़ा रहा है यहाँ पे। अरे अदालत का मजाक मैं नहीं, तू उड़ा रहा। तू क्या कहना चाहता है? मैं नहीं जानता कि रिया कैसी दिखती थी। अरे 10 बार मिल चुका हूं रिया से और वकील हूं पेशे से, किसी की शक्ल एक बार देख लूं ना कभी नहीं भूलता। जज साहब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और जो तस्वीर आज के न्यूज़पेपर में छपी है वो रिया मलिक नहीं है।
कुछ तो शर्म कर वीरेन, ये क्या कब से बकवास किए जा रहा है तू? मैंने तुझे जिससे मिलाया था ये उसी की तस्वीर है, मेरी वाइफ रिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है वीरेन? एक तो रिया की मौत के गम को मैं अभी तक भुला नहीं पाया हूँ, और आज भरी अदालत में उसकी तस्वीर को लेकर, उसकी पहचान को लेकर एक सवाल खड़ा कर रहा है तू। क्या हो क्या गया तुझे? मत कर ऐसा, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। देख वीरेन, मुझ पे भरोसा रख। इस सब के बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरी सजा कम हो जाए। दरसा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अरे तू क्या मेरी सजा कम कराएगा? सब बात तुझे तो मैं छोड़ूंगा। अबे तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे इस कमीने को तो मैं नहीं छोड़ने वाला चाचू। अबे तुझसे बड़ा झूठा और बेशरम इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुझे तो मैं संभव। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर वीरेन वडेरा, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? अरे इससे बेहतर तो यही होता कि मैं तुम्हें एक बार रिया से मिला देता। अरे तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ कि जिस तस्वीर की बात ये लोग कर रहे हैं वो रिया नहीं है। प्रेम जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप पर शांत हो जाइए। मिस्टर इंदर वडेरा, आप अपने मौकिल से कहिए कि वो अदालत में संयम से काम ले। इस तस्वीर का सच क्या है वो अदालत पता लगा लेगी। पर आगे से इन्होंने अदालत में इस तरह का बर्ताव किया तो इसके लिए इन्हें अलग सजा भुगतनी होगी। इस केस की अगली सुनवाई कल सुबह 11 बजे होगी। द कोर्ट इज एडजॉर्न। झूठ क्यों कहा कि वो तस्वीर आपकी बीवी की है? देखिए जीविका जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं। ये वीरेन है जो अदालत को गुमराह कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वीरेन रिया को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इसके सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो जानबूझकर ये सब कर रहा है, या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देखिए वीरेन जी के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। ये जो इंसान अनजाने में झूठ नहीं बोल सकता वो जानबूझकर झूठ क्या बोलेगा? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या मजबूरी है संभव, बताइए ना मुझे। संभव मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते, बोलिए मुझे। क्यों रिया की गलत पहचान बताई आपने? जवाब दीजिए मुझे, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? रिया की गलत पहचान क्यों बताई आपने, बोलिए मुझे। मैं आपसे कितनी बार कह चुका कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये रही रिया की तस्वीर। इसे मैं हमेशा अपने साथ लेके घूमता हूं, और यही तस्वीर मैंने न्यूज़पेपर में श्रद्धांजलि के लिए दी थी। अब आप यह कह दो कि रिया के गुजरने के बाद मैंने अपने पटवे से उसकी फोटो हटाकर किसी और की फोटो डाल दी, कह दो ये सब झूठ है। देखिए जीविका जी, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वीरेन ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बीवी चली गई है और इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूं। देखिए जीविका जी, आपके सारे सवालों का जवाब सिर्फ वीरेन ही दे सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। झूठ नहीं कहते। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। जरूर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी इसलिए वो रिया को पहचानने से इनकार कर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं दुआ करूंगा कि उसकी रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। नहीं संभव, तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो मुझे, मेरी बात। तुम मुझे क्यों रोके? मुझे संभव से रिया का सच।
जाना है मनु, मुझे जाना है। नहीं, सच और झूठ का फैसला कोर्ट करेगा। संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। अगर वीरेन का गुनाह अदालत में साबित हो जाता है तो सजा सिर्फ उसे ही नहीं पूरे परिवार को मिलेगी। बिखर जाएगा ये घर, नहीं रह पाएंगे हम वीरेन के बिना, नहीं रह पाएंगे। नहीं देखा जाएगा मुझसे, अपने वीरेन को उम्र भर से लाखों के पीछे नहीं देख सकती मैं भगवान। ऐसा दिन मुझे दिखाने से पहले उठा लेना। इतना बुरा सपना तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। वीरेन की जिंदगी दांव पर लगी है और उसका भविष्य खतरे में है, और मैं लाचार कुछ भी नहीं कर सकता। आज तक एक से एक मुश्किल केस लड़े, पर क्या अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट केस में जीत पाऊंगा? वीरेन को अगर सजा हो गई तो ये पूरे वधेरा खानदान की सजा होगी। क्या बचा पाऊंगा मैं वीरेन को? ये कैसे अनहोनी है? हे भगवान, क्यों ले रहा है इतना बड़ा इम्तिहान? मेरे वीरेन को बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो जीविका जी नहीं पाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, अपनी आंखों देखा मानू या दीका का। कल अदालत में अगर मैंने ये सच बता दिया कि मैंने क्या देखा था तो जीजू का गुनाह और पक्का हो जाएगा, उनकी सजा डेफिनेट हो जाएगी और इससे पूरी फैमिली टूट जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, सबको खुश देखना चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे झूठ बोलना होगा, क्या करूं? काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते मैं सब कुछ ठीक कर देता। जानता हूं ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पर आपके लिए नहीं। आप दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो, प्लीज कुछ ऐसा मैजिक करो जिससे भाई छूट जाए, प्लीज गॉड। क्या मैं अपनी फैमिली के साथ, जीविका के साथ अब एक भी दिन नहीं बिता पाऊंगा? जिनके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल सूनी है, क्या उनके साथ अब कभी वक्त नहीं बिता पाऊंगा? क्या सब कुछ खत्म हो गया? आपसे जुदा होके एक पल भी जीना मुश्किल है वीरेन जी। याद है शादी के दिन हमने कसमें खाई थी कि एक दिन भी एक दूसरे से अलग होके नहीं जिएंगे, फिर जिंदगी भर की दूरी झेलना तो नामुमकिन है। वीरेन जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, ये साथ बिल्कुल नहीं छूटने दूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।